हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आपको यूट्यूब के लिए आपका मोनेटाइजेशन इनेबल करना चाहिए और गूगल एक्सेस अकाउंट करना चाहिए तो 2020 का तरीका मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि 2020 में सभी चेंज हो गया है और अभी सभी सिस्टम चेंज हो गया है। और आप एक्सेस अकाउंट पहले का जैसा नहीं है, अभी दूसरे तरीका हो गया है, बहुत अभी भी अच्छा तरीका हो गया है और आपको देखने से ही पता चल जाएगा कैसे। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कैसे गूगल एक्सेस अकाउंट करना है और कैसे मोनेटाइजेशन इनेबल करके आपको पैसे इनकम करना है यूट्यूब से। अगर आपको यूट्यूब में सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कम्प्लीट हो गया तो आप आसानी से कर सकते हैं। वीडियो को देखिए लास्ट तक। 2020 का तरीका मैं इस वीडियो में बता चलिए दोस्तों, मैंने वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ और स्टार्ट करने के पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और एक लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों, मैंने वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में जाइए, तो आपको कंप्यूटर हो तो क्रोम ब्राउजर में जाइए, मोबाइल हो तो कंप्यूटर में जाइए, वो दोनों में सेम तरीका है। तो क्रोम ब्राउजर में क्लिक करिए, करने के बाद में आपको यूट्यूब का ऑप्शन में क्लिक करिए। अगर ऐसा यूट्यूब आया तो यूट्यूब में करिए, नहीं तो गूगल में। इधर देखिए गूगल सर्च का ऑप्शन है, उसमें आप यूट्यूब लिख के सर्च करिए। सर्च करने के बाद में आपको यूट्यूब आ जाएगा, तो यूट्यूब में दबाइए। दबाने के बाद में ऊपर में देखिए, आपको मोबाइल है तो ऊपर में थ्री डॉट में क्लिक करिए। थ्री डॉट क्लिक करके आपको इधर डिस्टर्ब साइट आएगा, डिस्टर्ब साइट को ऑन कर लेना तो आपका मोबाइल कंप्यूटर जैसा हो जाएगा। तो मैंने डिस्टर्ब ऑन कर दिया है, देखिए मोबाइल कंप्यूटर की जैसा हो जाएगा, डिस्टर्ब ऑन हो गया। अगर आपको कंप्यूटर है तो ऐसे ही रहेगा, डिस्टर्ब ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही तो डिस्टर्ब में रहेगा, पीसी में ऐसे ही रहता है। और आप मोबाइल है तो जूम करिए वीडियो, जूम करके आप ऊपर में राइट साइड कोना में देखिए, आपका चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है। तो मेरा चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, आपका चैनल में ऐसे ही आएगा आपका चैनल का लोगो, तो उसमें लोगो में क्लिक करिए। करने के बाद में योर चैनल सबसे ऊपर में देखिए आ गया, योर चैनल पर क्लिक करिए। करने के बाद में आप यहाँ पे क्लिक करिए, उसमें क्लिक करने के बाद में थोड़ा वेट करिए, और उसमें क्लिक करने के बाद में आपको ऊपर में व्यूज, वीडियो मैनेजर, सब्सक्राइब, ये सब दिखाई दे रहा है। ऊपर में आपका कितना व्यूज हुआ है, आपके कितने सब्सक्राइबर है, उधर में दिखाई दे रहा है। तो आपको मोनेटाइजेशन के लिए जाना है और एक्सेस अकाउंट करना चाहिए तो आपको सब्सक्राइब है ना ऊपर में देखिए, सब्सक्राइब उसमें आप क्लिक करिए। तो मैंने सब्सक्राइब पर क्लिक कर दिया, उसमें क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आपका आने के बाद में आपको मोनेटाइजेशन इनेबल करने के लिए ध्यान से देखिए किधर से करना है, बहुत अच्छा तरीका हो गया, अभी पहले से अच्छा हो गया और आपको पता नहीं ये तो कठिन हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखिए वीडियो को जूम करिए और यहाँ पे देखिए जो खेमर की एस का ऑप्शन है उसमें क्लिक करिए। उसमें क्लिक करने के बाद में आपको मोनेटाइजेशन इनेबल करने के लिए आपका ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपका सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया तो आपको मोनेटाइजेशन इनेबल कर सकता है। अगर आपको सब्सक्राइबर, इधर में देखिए सब्सक्राइबर 1012 मंथ्स का अंदर आपको कंप्लीट करना होगा, मतलब 12 मंथ्स भीतर अपना 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा तो। और यहाँ पे देखिए आपको वॉच टाइम तो 4000 वॉच टाइम अगर आपको कंप्लीट हो गया तो आपको मोनेटाइजेशन इनेबल कर सकता है और आपको ऐड आ जाएगा आपकी वीडियो के ऊपर, आप पैसे इनकम कर सकते हैं उससे। और इधर में क्लिक करने के बाद में अगर आपका कंप्लीट हो गया तो डायरेक्ट आपका फॉर्म आ जाएगा, छोटी सी फॉर्म में आप आसानी से फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करके आपका सबमिट कर दीजिए और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा। मोनेटाइजेशन इनेबल करने के बाद टाइम में देखिए आपको ऑल मोनेटाइज आएगा और वन वीडियो आएगा, तो आप ऑल करिए तो ऑल करेगा तो आपको सभी वीडियो में मोनेटाइज होना होगा। तो देखिए आप ये दोनों को कंप्लीट कर लीजिए, पहले कंप्लीट हो जाएगा तो आपको आसानी से कर सकते हैं। तो अभी आपको पता चल गया होगा किस तरीके से आपको मोनेटाइजेशन इनेबल करना है। अगर दोस्तों वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, मेरा भी सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ इसीलिए मैंने फॉर्म फिलअप करना बताया नहीं।
और फिर मेरा 6 पे भी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ। और ये आप भी कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म आसानी से फिलअप कर सकते हैं उसमें, और कुछ हार्ड नहीं है, आग पे लेके जैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान तरीका है। तो थैंक यू सो मच, लाइक। Thank you.